today we will read chapter 9 state government part 3. The chief minister mukhyamantri, the chief minister is the head of the council of minister, a very important position in the state government. He/she is also called the CM. The function of the chief minister are, जो मुख्यमंत्री होता है वो मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, हेड होता है. स्टेट राज्य सरकार में, स्टेट गवर्नमेंट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है चीफ मिनिस्टर का. ही/शी इज कॉल, उसको सीएम कहते हैं. मुख्यमंत्री का प्रमुख कार्य ये है, अलॉटिंग वेरियस portfolios to different minister for the effective administration of the state. राज्य सरकार के प्रभावी प्रशासन के लिए विभिन्न मंत्रियों को अलग अलग विभागों को बांटना. calling for meeting of council of ministers at regular intervals. कुछ कुछ समय अंतराल पर मंत्रिपरिषद का बैठक बुलाना, मीटिंग बुलाना. सुपरवाइजिंग द वर्क ऑफ एवरी मिनिस्टर एंड गाइडिंग देम, हर मंत्री के काम का निरीक्षण करना, सुपरवाइज करना और उनको गाइड करना, मार्ग निर्देशन देना. Informing the governor about decision taken by the council of minister, मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णयों को राज्यपाल को बताना, inform करना. Forming a new council of minister if necessary. मंत्रिपरिषद यदि आवश्यक हो तो नई मंत्रिपरिषद का गठन करना. द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फ्रेम पॉलिसीज फॉर अलॉटेड सब्जेक्ट और डिपार्टमेंट्स रिलेटेड टू द स्टेट गवर्नर एंड एक्सिक्यूट्स इट. मंत्रिपरिषद राज्य सरकार से संबंधित बांटे गए विषयों पर या विभागों के लिए पॉलिसी बनाती है और लागू करती है, नीतियों को बनाती है. राज्य संबंधित विषयों पर बनाती है नीतियों को और लागू करती है. इट ऑल्सो इंट्रोड्यूस द बिल इन द लेजिस्लेटिव असेंबली. द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इंट्रोड्यूस द बजट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली. राज्य के वित्त, ये विधानसभा में विधेयक भी पेश करता है. राज्य के वित्त मंत्री विधानसभा में बजट पेश करते हैं. द वर्क टू बी डन इज डिवाइडेड बिटवीन द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट. कामों को राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच, दोनों के बीच बांट दिया जाता है. द स्टेट गवर्नमेंट फंक्शन ऑफ द स्टेट लेवल एंड द यूनियन गवर्नमेंट फंक्शन द नेशनल लेवल. राज्य सरकार का जो कार्य होता है वो राज्य स्तर पर होता है और संघ सरकार या केंद्र सरकार का जो कार्य होता है वो राष्ट्र के स्तर पर, पूरे देश के स्तर पर होता है, कार्य करता है. द डिफरेंस बिटवीन द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट इज द एरिया in which
फंक्शंस। राज्य और केंद्र सरकारों के बीच, क्षेत्रों के बीच अंतर वो क्षेत्र है जिसमें वे कार्य करते हैं। Therefore, the responsibility of state government is limited to the particular state. इसलिए जो राज्य सरकार की जो जिम्मेदारी है वो अपने राज्य तक ही सीमित होती है। For example, the work of the Gujarat state government is limited to its boundary wherever the central government takes care of the entire nation. उदाहरण के तौर पे गुजरात सरकार जो है वो गुजरात के अंदर आने वाले ही काम तक सीमित रहती है, जबकि जो केंद्र सरकार है वो पूरे देश के लिए सोचती है और पूरे देश का, राष्ट्र का ध्यान रखती है। द फंक्शंस एंड पावर ऑफ द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट आर डिवाइडेड इनटू थ्री लिस्ट, द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। द सब्जेक्ट इंक्लूडेड द इन दिस लिस्ट आर मेंटेन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कार्य और शक्तियां हैं वो तीन विभागों में बटी हुई हैं। केंद्र का लिस्ट तीन लिस्ट में बटी हुई हैं। केंद्र के लिए लिस्ट है राज्य सरकारों का, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट है। और इन विषयों पे जो के अंतर्गत जो कार आते हैं वो उसको संविधान में मेंशन किया गया है, संविधान में बताया गया है। यूनियन लिस्ट, द सब्जेक्ट हैंडेड ओवर द यूनियन गवर्नमेंट आर इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट। देयर इज अ लिस्ट ऑफ 97 सब्जेक्ट, सेंसस, रिलेशन विद फॉरेन कंट्रीज, डिफेंस, फाइनेंस एंड बैंकिंग, इलेक्शन, फॉर्मेशन ऑफ लॉ फॉर सिटीजन, रेलवे, टेलीग्राफ, पोस्ट इंश्योरेंस सर्विस, सी, एयर, रोड, रेल, रूट, न्यूक्लियर पावर एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड। जो केंद्र सरकार है उनकी सूचियों में वो सभी विषय आते हैं, वो जो विषय आते हैं वो 97 विषय हैं। विदेशों के साथ, फॉरेन कंट्रीज के साथ रिलेशन बनाना, रक्षा मंत्रालय, फाइनेंस और बैंकिंग, इलेक्शन का काम देखना, उसकी नीतियों को बनाना, नागरिकों के लिए कानून को बनाना, रेलवे, टेलीग्राफ, पोस्ट, इंश्योरेंस की सर्विस और सी, एयर और एयर, रोड, रेलवे रूट, ये सब विषयों पर निर्णय करना, न्यूक्लियर पावर आदि, ये सभी विषय कुल मिला के 97 विषय संघ सरकार के अंदर आते हैं जिन पे वो कानून बना सकते हैं, नीतियाँ बना सकते हैं। स्टेट लिस्ट, द सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू द स्टेट आर एनलिस्टेड इन द स्टेट लिस्ट, देर आर 66 ऑफ देम। द स्टेट गवर्नमेंट मेक्स द लॉज विद द हेल्प ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द कैबिनेट। द लिस्ट इंक्लूड्स हेल्थ, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। राज्य सरकार जो है वो उसके अंदर भी कुल 66 विषय आते हैं जिन पे वो, इन सूचियों पे वो काम करती है, कानून बना सकती है,
और ये विधान राज्य सरकार जो है विधानसभा की मदद से काम करती है, कानून बनाती है, और जैसे कि कुल 66 विषय हैं, जैसे कि स्वास्थ्य, कृषि, वन और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। कॉन्करेंट लिस्ट, इसमें यूनियन, द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट बोथ कैन फॉर्म्स लॉ फॉर इट। देर आर 47 सब्जेक्ट्स, इस पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलके कानून बनाती है। ये 47 विषय होते हैं, सूची होती है, इस पे दोनों मिलके कानून बना सकते हैं। प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, रेवेन्यू ऑफ टैक्स, डाइवोर्स, लिटरेसी, इंडस्ट्रीज, एम्प्लॉयमेंट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट। क्राइम को रोकने के लिए टैक्स, तलाक, साक्षरता, उद्योग, रोजगार, बिजली आदि, इन सभी पे दोनों मिल के काम करते हैं, कानून बनाते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली, मरीना इमरान एंड विधानसभा, मरीना इमरान एंड द अदर स्टूडेंट्स ऑफ देयर स्कूल वेर वेरी एक्साइटेड अबाउट देयर ट्रिप टू गांधीनगर, द कैपिटल ऑफ गुजरात, वेर दे आर गोइंग टू सी द लेजिस्लेटिव असेंबली। आफ्टर द सिक्योरिटी चेक दे वेंट अपस्टेयर, देयर वेर अरेंजमेंट्स मेड फॉर विजिटर फ्रॉम वेयर दे कुड सी द ग्रैंड हॉल डाउनस्टेयर। सीइंग अरेंजमेंट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली वॉज मेन इन दैट मीटिंग हॉल। इमरान और मरीना इमरान और उनके स्कूल के अन्य छात्र गुजरात की राजधानी गांधीनगर की अपनी यात्रा ट्रिप के को लेके बहुत उत्साहित थे, जहां वे विधानसभा का दौरा करने गए। सुरक्षा जांच के बाद वे ऊपर चले गए और वहां पे आने वाले लोगों के लिए बैठने के लिए व्यवस्था की गई थी, जहां से वो नीचे का भव्य हॉल देख सकते थे। उस मीटिंग हॉल में सदस्यों की विधायी असेंबली के बैठने की व्यवस्था की गई थी। उस दिन विधानसभा में एक चर्चा की जानी थी, बाकी थी। ऑन दैट डे अ करंट इशू वॉज डिस्कस इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। उस दिन किस एक विषय पे लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा चर्चा की जानी थी। यूजली इन ए लेजिस्लेटिव असेंबली The MLS can express their views during a questions answer session. अधिकतर लेजिस्लेटिव असेंबली में MLA अपने विचार क्वेश्चन आंसर सेशन के दौरान व्यक्त कर सकते हैं। They can ask question and give suggestion. वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं और सुझाव दे सकते हैं। The members give their feedback on the issue being discussed. जो सदस्य हैं, मेंबर्स होते हैं, वो डिस्कस किए जाने वाले, वाद विवाद किए जाने वाले विषयों पे अपना फीडबैक दे सकते हैं। देन द कंसर्न्ड मिनिस्टर आंसर द क्वेश्चन एंड ब्रीफ देम अबाउट द मेजर बीइंग टेकन टू सॉल्व द इशू। तब जो संबंधित मंत्री होते हैं वो क्वेश्चन का आंसर देते हैं और जो निर्णय लिए जाते हैं विषयों पे, जो निर्णय लिए जाते हैं उनके बारे में विस्तृत रूप से उन्हें बताते हैं। दे कैन
We often come across on television or in newspaper the decisions that they are taken by the chief minister and other minister in order to run the government. हम अधिकतर देखते हैं कि टेलीविज़न या न्यूज़पेपर पे से जानते हैं कि जो निर्णय चीफ मिनिस्टर और उनके मंत्रियों द्वारा सरकार को चलाने के लिए जो निर्णय लिए जाते हैं उनके विषय में हम अक्सर टेलीविज़न और न्यूज़पेपर में से हमको जानकारी मिलती है. वाइल टेकिंग अ डिसीज़न अबाउट एनीथिंग इट इज़ नेसेसरी टू टेक द परमिशन ऑफ द MLAs. जब कोई निर्णय लिया जाता है तो ज़रूरी होता है कि वो MLA का परमिशन लिया जाए. इन अ डेमोक्रेसी द MLAs कैन क्वेश्चन द चीफ मिनिस्टर एंड द अदर मिनिस्टर एंड डिस्कस अबाउट इम्पॉर्टेंट मैटर. प्रजातंत्र में MLA जो है वो चीफ मुख्यमंत्री से क्वेश्चन पूछ सकता है, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों से क्वेश्चन पूछ सकता है और इम्पोर्टेंट विषयों पे डिस्कशन कर सकता है, बहस कर सकता है. दे कैन टेक डिसीजन रिगार्डिंग फाइनेंशियल मैटर एंड डिसाइडेड ऑन द एक्सपेंडिचर टू बी डन इन डिफरेंट एरिया. वो बजट के फाइनेंशियल आर्थिक विषयों पे भी डिसीज़न निर्णय ले सकते हैं और जो अलग अलग क्षेत्रों में खर्च किए जाने हैं उस पे भी अपना किए गए हैं उस पे भी अपना निर्णय ले सकते हैं. When the Legislative Assembly session, any of the MLAs can ask question. The Speaker manages the Assembly and one requires his/her permission before presenting anything. जब लेजिस्लेटिव असेंबली का सेशन चलता है तो कोई भी MLA जो है क्वेश्चंस पूछ सकता है. जो स्पीकर है वो असेंबली को मैनेज करता है, नियंत्रित करता है और कोई भी क्वेश्चंस या विषय प्रस्तुत करने से पहले उसका परमिशन लेना ज़रूरी होता है, ज़रूरत होती है उसकी परमिशन की, उसके बाद ही आप कोई विषय प्रस्तुत कर सकते हैं. थैंक यू.